बहुत मार्मिक स्टोरी है, इतनी दर्दनाक स्टोरी है ना कि शब्दों में बयान मुश्किल है। बहुत ही दिल दहलाने वाली, बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हार्ट रेंचिंग मूवी है। और सुदीप्त सेन को डायरेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही रॉ है, रियलिस्टिक है, रिलेटेबल है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ जो सीन है बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं, बहुत ही शॉकिंग है। इसमें चार प्रोटैगनिस्ट हैं लड़कियाँ, आदा शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, बहुत ही सच्चाई से, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं, कोई भी ऐसा बहुत ही सटल और सेंसिटिव पोर्ट्रेल है। ये पिक्चर बहुत ही मतलब ये स्टोरी ऐसा है जिसको पूरी दुनिया को नहीं पता था। तो मुझे ये सिर्फ पिक्चर देखने के बाद एक चीज़ कहना है कि ये इंडिया में जितनी भी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़की लोग हैं वो पिक्चर ये ज़रूर देखें। जो केरल में जो रियलिटी जो हुआ है, जो आज तक इतने सालों से किसी को नहीं पता था कि केरल में इतना बड़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़की लोग के साथ इतना गलत काम कर रहा है, उन लोग का कन्वर्जन करके उन लोग को ईरान भेज के उन लोग के साथ रेप्स होते हैं, बहुत से गलत चीज़ होते हैं। तो ये फिल्म के ज़रिए हम लोग को पता चला आज, तो बहुत ही गलत हो रहा है। और जैसे कि 50,000 लड़की लोग इंडिया से अभी भी गायब है, वो पता नहीं कहाँ गए हैं। ये पिक्चर देखने के बाद अभी पता चला हम लोग को। बहुत ही ऐसी मूवी है, मुझे लगता है कि शॉकिंग, जो लोग सोच रहे थे कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ किया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि बस सिर्फ एक ऐसा ही कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन रियली बहुत अच्छी मूवी है। स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक वाकई से अमेजिंग है। स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड देखने जाए तो अपने हिंदू के लिए एक स्टंट है ये, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इमोशनली से कि इसमें ये सिखाया गया कि लड़कियों पे बहुत अत्याचार हुआ है ये सब चीज़ों के लिए, और रही बात कि हिंदू लड़कियों पे तो और ही हुआ है, तो ये सब चीज़ ना ये है कि हमको सीखना चाहिए, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ये सब मतलब प्रोपागंडा में ना आए और आगे भी कुछ अच्छा मतलब सीखे और ये सब प्रोपागंडा में मतलब यूज़ ना हो उन लोगों का। डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे थे, लोकेशंस भी बहुत अच्छे थे, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 2.5 घंटे तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटाया किसी का भी, एकदम रियलिटी। जैसे एक अपना इसे पहले जो आया था ना द कश्मीर फाइल्स, सेम वही थॉट प्रोसेस जो था एक माइंड में और चीज़ें जो चल रही थी, मतलब बहुत अजीब है यार, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो लिटरली मतलब नहीं होना चाहिए। अगर चाहे लड़की हिंदू कोई हो चाहे लड़की मुसलमान की, बात ये नहीं है। बात उसमें कुछ चीज़ें सेक्स से भी रिलेटेड दिखाया गया है, जो अगर रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं होना चाहिए। मूवी बहुत सही लगी और रियलिटी के बेसिस पे मूवी बनाया गया, स्टोरी बहुत सही थी सर, एक नंबर मूवी। सब फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आनी चाहिए थी, एक्चुअली देखना चाहिए था, क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है केरला का, ये भी एक मतलब इतिहास रहा है, अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। अब जाके पता चला कि अच्छा ये भी है। पिक्चर है ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर है, इसमें बहुत सारे डायलॉग कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें हिंदू धर्म की भी बुराई की गई है। एक्चुअली कोई धर्म दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता है, वो गलत है। और जैन एक डायलॉग अच्छा है उसमें, जैन में जहर डालते हैं मजहब के नाम से, वो गलत। एक्चुअली ये पेरेंट्स के लिए जो है आईना है कि अपने बच्चे को संभालना चाहिए, जो कॉलेज में जाते हैं ऐसे खतरों से दूर रहना चाहिए। तो वाकई में पिक्चर ये सीखने लायक है, सीख लेना चाहिए इससे बच्चों ने, जो आज के यंग जमाने के लड़के लड़कियाँ हैं उन्होंने इससे सबक लेना चाहिए। मैम आप क्या? सिर्फ अपनी भावनाओं पे मत जाओ, दिमाग से काम लो, सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से काम लेके अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, अपन जो पैर रखने वाले हैं या जो कदम रखने वाले हैं उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, ये थोड़ा सोचो। एकदम से कोई किसी के बहकावे में मत आ जाओ, जिससे हमारा ही नुकसान होगा। आजकल के बच्चे जो है अपने माँ बाप से बहुत छुपाते हैं, अपने माँ बाप को एज ए अपना फ्रेंड समझ के सब उनसे बातचीत करो तो कुछ सही सबक मिल पाएगा बच्चों को। फिल्म तो झकझोर के रख दिया, काफ़ी हार्ड हिटिंग फिल्म थी, सबका परफॉर्मेंसेस जो थे सबके परफॉर्मेंसेस बहुत टॉप नॉच थे। सुदीप्त सेन का डायरेक्शन इतना क्रिस्प है, इतना टाइट है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म वीक पड़ रही है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा विपुल अमृतलाल शाह जी को कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर एक फिल्म बनाने की इतने प्रीमियम प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हिम्मत दिखाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विपुल सर एंड सुदीप्त सेन जी, आपका डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है।
कि योगिता बिहानी है, सोनिया बलानी है, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, सिद्धि इदनानी, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त, और आदा शर्मा ने तो बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। एक्टिंग से ज्यादा देखने जाए तो एक्टिंग तो सभी लोगों के किरदार अच्छे हैं, बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा ने बहुत अच्छी की है, इवन अदा नहीं, जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही है उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। कृष्ण लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है। एक्टिंग वाइज हीरोइन ने जो एक्टिंग की है बहुत अच्छी है। ISIS में जो आतंकवादी है उन लोगों की एक्टिंग भी देखिए, क्योंकि वो कलाकार है, रियल में तो आतंकवादी है नहीं, और उन्होंने ये एक्टिंग की तो वो बहुत अच्छी की है। अदा शर्मा जी, आपका परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, मतलब आपने जिस टाइप से केरलाइट लड़की के मैनरिज्म एक्सेंट वगैरह पकड़ा है, इनक्रेडिबल। उसके अलावा जो बाकी की तीन लड़कियां हैं उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंसेस जो दिए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। भले वो एक लड़की थोड़ी विलनस नेगेटिव शेड वाली हो, बट उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 5 में से 5 स्टार दूंगा। 4 स्टार।